हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग? और ये किल और बी किल्ड मिशन का दूसरा पार्ट है। अभी हमें अंदर जाना है, देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमें केव के अंदर तक जाना होगा। ये देखो केव पेंटिंग है। What? Wait, how am I supposed to get out of here? Bucker up, Buttercup. I'll be back when you need a lift. और ये हम लगभग आ गए अंदर तक। और ये देखो ब्यूटीफुल के पेंटिंग। और यहाँ पे बहुत सारा एनिमी होगा, तो इनसे लड़ने का दो तरीका होता है, पावरफुल तरीका और स्मार्ट तरीका। मैं पावरफुल तरीका चुनता हूँ। ये रहा पावरफुल तरीका। ये गया दूसरा पावरफुल तरीका। ये जो फ्लेम थ्रोअर वाले जगन्नाथ है, इनसे लड़ने का कुछ तरीका ढूंढना होगा। मैं जनरली आरपीजी फेंक के इन लोगों को एलिमिनेट करता हूँ, लेकिन कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। ये देखो एक ग्रेनेड से तो ये नहीं मरेंगे। गन शॉट अगर उसकी जो टैंक है फ्लेम टैंक उसमें लगता है तो ये मरता है, लेकिन जनरली मैं आरपीजी से इन लोगों को। और ये देखो पानी था ये। ओके, तो चलो ऊपर जाके देखते हैं क्या मिलता है हमें। पूरी केव के अंदर जगह जगह के स्पिरिचुअलिटी दिखाई पड़ता है। ये देखो, ये एक साधु है जो यहाँ शायद ध्यान में बैठे बैठे ही ऐसे पुतला बन गया, शायद ऐसे ही रियल लगता है बिल्कुल। आगे बढ़ो, मिशन पे फोकस करते हैं। और ये ओके, फाइंड एंड किल यूमाज लूटनेंट। ओके, तो अभी हमें यूमा के जो लूटनेंट है उसको मारना होगा। ये देखो केप से चलते चलते हम ये बिल्कुल ओपन में आ गए। और ये एक हेवी गार्डेड ब्रिज है जिसे हमें शायद पार करना होगा उधर जाने के लिए। और इधर ये तो बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है, इसे हमें पार करना होगा। पहले ये देखो, दो स्नाइपर बिल्कुल मेरे सामने हैं। ये देखो जिधर भी देखो एक एनिमी तो मिल ही जाएगा। और सबसे डेंजरस होगा ये दो स्नाइपर जो मेरे लेफ्ट साइड में है।
पहले मुझे स्नाइपर को खत्म करना होगा। सॉरी मैंने यहाँ पे कट किया था। ये देखो, अभी देखो ये गया। ओके, तो एक शॉट से मैंने दो स्नाइपर को उड़ा डाला। अभी एक एक करके सब आएगा और सबको निपटेंगे एक साथ। तो अभी तक इन लोगों ने हलचल तो मच गई, लेकिन ये अभी भी मुझे स्पॉट नहीं कर पाया। और ये गया एक और हेडशॉट। तो अभी ये आएगा इस तरफ। ये देखो दो एनिमी। ये रोप लगी हुई है उधर से यहाँ तक आने के लिए। नहीं, ये आरपीजी तो नहीं जाएगा, तो मुझे रेडी होना होगा क्योंकि अभी बारात आने वाला है टोली भर के। पहले बाराती को टिफिन पहुंचाया। ओ, उधर से एक स्नाइपर है, लेकिन मैं अभी स्नाइपर को स्पॉट नहीं कर पाया और ये दूसरा शॉट मुझे पड़ी। मुझे पहले स्नाइपर को स्पॉट करना होगा। एक गन चेंज, ये बहुत ही घटिया हॉबी है मेरे लिए। मैं कुछ देर में गन को अपने आप क्यों चेंज करता रहता हूँ पता नहीं। ये एक बैड हैबिट है मेरी। मेरा ये बैड हैबिट चेंज करना होगा। ये देखो मैंने ग्रेनेड फेंका लेकिन एक भी नहीं मरा। मुझे लगा था कि एक जगह पर चार एनिमी एक साथ हो गया तो शायद एक तो मर ही जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैं एनिमी को मारने के लिए आगे जाता हूँ उधर से एक स्नाइपर शॉट मुझ पे आके लग ही जाता है। इसीलिए मुझे पहले स्नाइपर को क्लियर करना होगा। अभी देखो तीन एनिमी बिल्कुल मेरे सामने हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ये देखो ये दुला रहा हूँ। बोले टू लेट इफिन। देखो मेरा घटिया एम, देखो तुम लोग ऐसे तो नहीं काम चलेगा बाबू। ये बिना देखे गान ऊंचा करके मेरी तरफ एम कर रहा था, लेकिन मैंने इस तक भी टिफिन पहुंचा दिया। अभी एक और पड़ी मुझे। ओ तो ये रहा स्नाइपर, शायद ये होगा। एक भी गली ठीक से नहीं लग रही। ओके, तो एक बॉडी शॉट। ओहो, ये देखो काफ़ी डैमेज ले लिया मैंने ग्रेनेड से। अभी हील करना होगा। ये जो सामने वाला था ना, इसने शायद ये ग्रेनेड फेंका था मेरी तरफ। अभी देखो दो एनिमी सामने आ गए मेरा। अभी तो ये देखो एक और ग्रेनेड। अबे
हील होने का मौका ही नहीं दे रहा है ये दोनों। एक को तो मैंने ग्रेनेड लॉन्चर से नॉक किल कर दिया, लेकिन अभी भी एक है और इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। और ये गया, वो जो स्नाइपर था वो शायद अभी भी नहीं मरा। उसको क्लियर करना होगा इस बार। रुक जाओ, कहाँ गया? मार। ओ ये देखो, ये देखो, और ये गया स्नाइपर। इसने बहुत डैमेज दिया था मुझे, लेकिन चलो। तो ये वैली जो हैंगिंग वैली है हिमालय के बिल्कुल बीच में, तो ये तो लगभग क्लियर हो गया। तो मैं वैली के उस पार जाऊंगा अभी। और ये मुझे एक बॉडी सूट मिल गया, कुछ ग्रेनेड मॉल्टोफ, और मैं गन को रिलोड कर लिया। अभी मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। ये देखो दो स्नाइपर, बिल्कुल दो स्नाइपर एक साथ आ गया। पहला वाला गया, और है इस गन का डैमेज ठीक है, लेकिन रिकॉइल बहुत ज्यादा है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट के लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये गन। और ये देखो मैंने वो प्यारा सा ब्रिज पार कर लिया। ये केव पेंटिंग देखो, पूरी ये केव और ये हैंगिंग वैली में हर जगह तुम्हें ये पेंटिंग देखने को मिलेगा। ओके, तो एक और बॉडी सूट मिल गया मुझे। ओके, तो यहाँ पे है जूमा का जो लेफ्टिनेंट है वो यहाँ पे है, और उसके गार्ड समेत उसे एलिमिनेट करना होगा अभी मुझे। ये देखो यह तो आते ही हेवी मशीन गन की फायर होने लगी मुझे मेरे ऊपर। मैं पहले हील कर लेता हूँ। ये देखो, जब येलो सर्कल और येलो ट्रायंगल दिखे किसी एनिमी पर तो समझ जाना वो तुम्हारा प्राइमरी टारगेट होगा, और इस केस में ये होगा जूमा का लेफ्टिनेंट। तो मैंने लेफ्टिनेंट को मार दिया, अभी उसका एनिमी सर्कल उसका जो मेरा एनिमी सर्कल उसका जो गार्ड सर्कल है वो अभी भी जिंदा है। अगर इन लोगों को मैं मार दूं तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। चलो ख़त्म करते हैं एक साथ। ओके, ये देखो मेरा एनिमी भाग गया साला। ओ
और वो जाके ही मशीन गन के बिल्कुल पास आ गया। ये देख, अच्छा, और ये कंप्लीट हो गया। तो ये दो वैली का जो जितने भी एनिमी था इन सब को मैंने ठिकाने लगा दिया। और इसके साथ ये मिशन कंप्लीट हो गया। तो यही तक था गाइस, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस मुझे झेलने के लिए। See you in the next one. I'll be in touch.